आ जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? कहते हैं जी, इलास्टिसिटी का मतलब है स्ट्रेचनेस, कोई चीज कितना स्ट्रेच हो सकती है, इलास्टिक, राइट। अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? कहता है जी, रिलेटिव चेंज इन वन फैक्टर ड्यू टू चेंज इन अनदर फैक्टर। पहले मैं अपने नोट से करवा दूं जो मुझे करवाना है, फिर आपके रेफरेंस मटेरियल को भी देखेंगे। तो जी, इलास्टिसिटी का मतलब कहता है रिलेटिव चेंज इन वन फैक्टर ड्यू टू चेंज इन अनदर फैक्टर। अब मान के चलते हैं प्राइस की वजह से डिमांड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड कैसे रिएक्ट कर रही है, राइट। तो यार डिपेंडेंट फैक्टर क्या हो गया? कहता है जी डिमांड, और इंडिपेंडेंट फैक्टर क्या हो गया? कहता है जी प्राइस। प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंजेस आ रहे हैं? तो रिलेटिव चेंज इन द डिपेंडेंट फैक्टर ड्यू टू चेंज इन द इंडिपेंडेंट फैक्टर। यहां वर्ड रिलेटिव क्यों लिखा हुआ है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि जी पहले प्राइस था 5 रुपये, अब इंक्रीज होकर प्राइस हो गया 7 रुपये, ठीक है। जब 5 रुपये प्राइस था तो क्वांटिटी की डिमांड कितनी थी? कहता है जी 10 यूनिट्स। अब प्राइस इंक्रीज हो गया है तो डिमांड कम होगी, डेफिनेटली इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड में। तो मान के चलते हैं जी डिमांड कितनी रह गई? कहता है जी 8 यूनिट्स, ठीक है। अब हम यहां पर कहेंगे कि भी मार्केट में डिमांड कम हो गई, कितनी कम हो गई? कहता है 2 यूनिट्स की डिमांड कम हो गई, अगर हम सिंपल यूनिट्स में देखें। अगर हम परसेंटेज में देखें तो हम कहेंगे कि जी ओरिजिनली 10 यूनिट की डिमांड थी, अब 8 यूनिट की रह गई, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू में 100। तो जी हमारे पास कितना चेंज आया? कहता है जी 2/10 इंटू में 100 इज इक्वल टू 20% चेंज हो गई डिमांड। तो वैसे हम देख रहे हैं 2 यूनिट, लेकिन दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं जी, 20% डिमांड चेंज हो गई, ठीक है। अब जी 20% डिमांड चेंज हो गई, ये अपने आप में कुछ इंडिकेट कर रहा है, अगर हम सिर्फ इस फिगर को देखें तो, फिलहाल प्राइस को इग्नोर कर दे। कहता कोई भी चीज इंडिविजुअली अपने आप कुछ इंडिकेट नहीं करती जब तक हम उसे किसी और चीज से कंपेयर ना करें। अगर हम ये कहे कि जी प्राइस में चेंज आया, कितना चेंज आया, ओरिजिनल था 5, चेंज हो गया 7/ में ओरिजिनल इंटू में 100, तो जी कितना हो गया? -2/ में 5 इंटू में 100, -2 इंटू में 20, मतलब 40% चेंज आया। कितना चेंज आया? 40%। माइनस क्यों आएगा साइन? कहता है जब हम डिमांड एंड प्राइस की बात कर रहे हैं तो दोनों में इनवर्स रिलेशन है, तो हमेशा माइनस में ही रहेगी, राइट। तो कितना चेंज आया? 40%। अगर हम ये कहें यार प्राइस 40% चेंज किया तो डिमांड 20% चेंज हुई, तो यहां तो इस चीज का कोई मीनिंग भी है कि हाँ कुछ ना कुछ प्राइस से रिलेशन है। अगर प्राइस हम इतना चेंज करेंगे तो डिमांड इतनी चेंज हो सकती है, प्राइस इतना चेंज करेंगे तो डिमांड इतनी चेंज हो सकती है, राइट। इंडिविजुअली इसका कोई मतलब नहीं है। हम कहते हैं जी डिमांड कम होगी, क्यों? क्वेश्चन मार्क खड़ा रह गया, क्यों कम हो गई? वो तो नहीं पता पीछे फैक्टर क्या है। तो भैया खाली इस चीज़ का हम क्या करें कि डिमांड कम हो गई, पीछे का फैक्टर तो पता चलना चाहिए, उसी के बेसिस पे तो डिसीजन लिया जाएगा। और कोई कहे कि जी डिमांड कम हो गई क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर डिसीजन लिया जा सकता है कि चलिए प्राइस थोड़ा कम करते हैं ताकि डिमांड इंक्रीज हो जाए, राइट। तो जी यहाँ पर जो ये चेंज हो रहा है, हम कहते हैं जी रिलेटिव इन रिलेशन टू प्राइस। तो इसीलिए इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं। कहता है जी इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि एक फैक्टर में चेंज होने की वजह से दूसरे फैक्टर में कितना चेंज हो रहा है, दिस इज इलास्टिसिटी। एक फैक्टर में चेंज होने की वजह से, मतलब ये वाला फैक्टर क्या हो गया? इंडिपेंडेंट फैक्टर। और ये वाला फैक्टर क्या हो गया? डिपेंडेंट फैक्टर, विच डिपेंड्स अपॉन प्राइस। डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, हम ये कहते हैं ना, डिमांड इज द फैक्टर ऑफ प्राइस, डिमांड इज द फैक्टर ऑफ इनकम, डिमांड इज द फैक्टर ऑफ टेस्ट, राइट। अगर मैं यहां पर प्राइस की जगह इनकम लेता कि जी इनकम कम होने की वजह से डिमांड कम हो गई, तो भी मतलब बनता है डेफिनेटली। तो जी तब हम क्या कहेंगे कि हाँ भैया यहाँ डिमांड किसके रिलेटिव में हम देख रहे हैं? इनकम के। तो जी इनकम कम हुई इसलिए डिमांड कम हुई।
तो जब हम किसी चीज से कंपैरिजन करते हैं, रिलेटिविटी देखते हैं, तब तो उस चीज का बेनिफिट है, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होता। तो हम कहेंगे जी डिमांड 20% चेंज हो गई ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। तो बेसिकली इलास्टिसिटी कितनी है, कहता है हाफ, मतलब जितनी डिमांड प्राइस चेंज हुआ उतनी डिमांड चेंज नहीं हुई। प्राइस तो 40% चेंज हो गया, डिमांड सिर्फ 20% चेंज हुई, राइट। तो कहता है जी इलास्टिसिटी तो है, चेंज तो आया, उतना नहीं आया जितना प्राइस में आया, तो लेस देन वन, ठीक। अगर यहीं पर हम कहते हैं जी 40% प्राइस चेंज हुआ और मान के चलते हैं 40% ही डिमांड चेंज हो जाती, लेट से 8 की जगह यूनिट्स कितनी रह जाती डिमांड में, 6, तो जी 40% ही डिमांड चेंज हो जाती, तो हमारे पास क्या आता, कहता है जी डिमांड अपॉन में चेंज इन डिमांड अपॉन में चेंज इन प्राइस, तो ये क्या आ गया, 1। तो हम कहेंगे जितनी प्राइस चेंज हुआ उतना ही डिमांड चेंज होगी, तो डायरेक्टली आपस में लिंक्ड है। तो इलास्टिसिटी क्या है, यूनिटरी। क्लियर कट, सामने पता चल रहा है कि भैया जितना प्राइस चेंज करेंगे उतनी ही डिमांड चेंज हो जाएगी, राइट। अगर मैं कहता हूँ 40% प्राइस चेंज हुआ लेकिन डिमांड 50% चेंज हो गई, 5 यूनिट की डिमांड रह गई 10 से घटकर, तो डिमांड 50% चेंज हो गई, तो जी 50% डिमांड चेंज हो गई, 40% प्राइस चेंज हुआ, तो क्या आ गया, कहता है जी ये तो मोर देन वन आ गया, दिस इज मोर देन वन। तो हम कहेंगे यार हाईली इलास्टिक है, प्राइस कम चेंज हुआ डिमांड ज़्यादा चेंज हो गई, तो बड़ा सेंसिटिव है। तो और मैं कहता हूँ प्राइस चेंज हुआ सिर्फ 10 पैसे, कितना 10 पैसे, मतलब मान के चलिए 0.01%, और डिमांड में चेंज आ गया लेट से 50%, प्राइस कितना चेंज हुआ सिर्फ 10 पैसे 0.01%, और डिमांड में चेंज कितना आ गया लेट से 50%। तो दिस इज इक्विलेंट टू, अगर हम देखें तो इक्विलेंट का यही निशान होता है, दिस इज इक्विलेंट टू 50% अपॉन में 0% ही कहूँगा, इतना कम चेंज हुआ प्राइस में, नेग्लिजिबल चेंज है, लगभग 0% चेंज है, और डिमांड में इतना ज़्यादा चेंज है, तो डिमांड में चेंज के मुकाबले अगर प्राइस के चेंज को देखें तो लगभग क्या है, नेग्लिजिबल। तो लगभग हम कह सकते हैं यार प्राइस में 0% चेंज हुआ है और डिमांड 50% चेंज हो गई, और किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करें तो क्या आता है, इन्फिनिटी। तो ऐसे केस में जहाँ प्राइस बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो, डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, हम कहेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक, राइट। और परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या आएगा, इन्फिनिटी। अगर ऐसा हो कि जी प्राइस चेंज हो रहा है, लेट से प्राइस चेंज हुआ 20%, डिमांड में क्या चेंज आया, कहता है जी 0%, प्राइस में क्या चेंज आया 0%, मतलब और डिमांड में, मतलब प्राइस कितना भी चेंज हो डिमांड पे फर्क नहीं पड़ रहा, डिमांड उतनी की उतनी ही है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0। एग्जैक्टली 0 नहीं भी है, लेट से लगभग 0% चेंज हुआ है, बहुत थोड़ा चेंज हुआ है, तो भी हम आउटपुट क्या मान के चलेंगे, यार कोई खास आउटपुट नहीं है, प्राइस चेंज करने की वजह से डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। तो हम क्या मान के चलेंगे, 0। 0 का मतलब डिमांड इज हाईली इनइलास्टिक प्राइस के कंपैरिजन में, राइट। तो इस तरह से 5 सिचुएशन हो सकती है, जब हम इलास्टिसिटी देखते हैं तो 5 सिचुएशन हो सकती है। कहता है जी इन्फिनिटी वाली सिचुएशन भी हो सकती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक। कहता है जी 0 वाली सिचुएशन भी हो सकती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। कहता है जी 1 वाली सिचुएशन भी हो सकती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, यूनिटरी, मतलब इक्वल चेंज इन प्राइस एंड डिमांड। फिर जी ग्रेटर देन 1 वाली पोजिशन भी हो सकती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कहता है रिलेटिवली इलास्टिक। मतलब जितना प्राइस चेंज हो उससे ज़्यादा डिमांड चेंज हो गई। लेस देन 1 वाली सिचुएशन भी हो सकती है, कि जितना प्राइस चेंज हुआ उससे कम डिमांड चेंज हुई, तो हम कहेंगे रिलेटिवली इनलास्टिक। क्या कहेंगे हम, रिलेटिवली इनलास्टिक। अगर इसी चीज को हम चार्ट में देखें, ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ बनाया मैंने, एक दो तीन चार पांच, 5 सिचुएशन है ना हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं
इन्फिनिटी वाली बात। हमेशा प्राइस को कहाँ पर लेंगे, वाई एक्सिस पर, और हमेशा डिमांड को कहाँ पर लेंगे, कहता है जी एक्स एक्सिस पर। तो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर, और बाकी कोई भी फैक्टर आप कंसीडर कर रहे हैं, जैसे इनकम कंसीडर कर रहे हैं या प्राइस कंसीडर कर रहे हैं, तो वो सब कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस पर। ठीक है, शुरुआत में प्राइस इतना था, डिमांड इतनी थी, तो जी पॉइंट क्या बैठा हमारे पास, कहते जी ये पॉइंट बैठा लगभग। प्राइस में बिल्कुल हल्का सा चेंज आया, बिल्कुल हल्का सा, प्राइस बिल्कुल हल्के से कम हो गए, थोड़े से प्राइस कम हो गए, बिल्कुल नेग्लिजिबल। और हम कह रहे हैं जी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई, डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई, तो जी अब हमारे पास पॉइंट कौन सा बैठा, कहता है जी लगभग लगभग हमारे पास ये वाला पॉइंट बैठा। लगभग क्या बैठा, ये वाला पॉइंट। तो पहले पॉइंट को और चेंज वाले पॉइंट को अगर हम मिलाए तो लगभग क्या बन रही है, पैरेलल लाइन। लगभग क्या बन रही है, पैरेलल लाइन। तो अगर आपको ग्राफ दे रखा है जी पैरेलल लाइन का ये, तो आप क्या कहेंगे, इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस के कंपैरिजन में देख रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कहता है जी इन्फिनिटी। प्राइस में हल्का सा भी चेंज आएगा, नेग्लिजिबल भी, तो डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, तो क्या है जी इन्फिनिटी। फिर जी अब हम देखते हैं जीरो वाला केस, मतलब ये प्राइस है हमारे पास, ये क्वांटिटी है हमारे पास, पहले प्राइस इतना था, क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, तो पॉइंट लगभग यहाँ बैठ रहा है, राइट। प्राइस चेंज हो गया, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी अभी भी इतनी है, तो पॉइंट कहाँ बैठ रहा है हमारे पास, यहां पर। उफ, कुछ और उठाऊं उसकी जगह, क्यों उठा रहे तुम, पॉइंट क्या बैठा हमारे पास, ये पहले क्या पॉइंट था, ये। तो जी अब अल्टीमेटली लाइन क्या हो गई हमारे पास, कहता है जी लाइन हो गई हमारे पास ये स्ट्रेट, लाइन क्या हो गई हमारे पास, स्ट्रेट। तो जब भी स्ट्रेट किससे पैरेलल किसके, कहता है जी वाई एक्सिस के, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, किसी भी तरह से हमसे क्यों पूछा जा सकता है, आपको सिंपल चार्ट दे दिया, ग्राफ दे दिया, बताओ जी, या फिर आपको ये कह दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब बताओ क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब बताओ क्या है, यहां पर क्या आ रखा था, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस केस में क्या है, कहता है प्राइस चेंज जितना मर्जी हो, डिमांड उतनी की उतनी है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, ठीक। तो यहां पर इलास्टिसिटी क्या है, जीरो, प्राइस इलास्टिसिटी, साथ में ये जोड़ देना, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है यहां पर, कहता है जी जीरो, ठीक। अब तीसरा केस लेते हैं, प्राइस क्वांटिटी। अब प्राइस पहले इतना था, क्वांटिटी डिमांडेड मान के चलिए इतनी थी, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जी प्राइस इतना हो गया लट से, तो क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ही कम हो गई, मतलब प्राइस में 10% चेंज आया, तो क्वांटिटी में भी 10% चेंज आ गया। अब हमारे पास नया पॉइंट क्या आया, कहता है जी लगभग ये। अब नए पॉइंट को पुराने पॉइंट को जोड़े हम, तो क्या आ रहा है, तो जहां पर चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, आउटपुट क्या आएगा, वन, चेंज इन डिमांड अपॉन में चेंज इन प्राइस, आउटपुट क्या जाएगा, वन। और वन के केस में ये वाली जो लाइन आएगी, जो स्लोप आएगा, ये आएगा जी 45 डिग्री, अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या बनेगा, 45 डिग्री, और अगर यहाँ से देखेंगे स्लोप तो क्या बनेगा, 135 डिग्री, टोटल क्या होता है, 180 डिग्री, राइट। तो जी जब 45 डिग्री ऐसे स्लोप आ रहा है डाउनवर्ड साइड, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि जी इलास्टिसिटी क्या है, वन। क्यों, क्योंकि जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतनी ही क्वांटिटी चेंज हो रही है। अब तीसरा केस लेके चलते हैं, चौथा केस, ये हमारी जी डिमांड है और जी ये प्राइस है,
ओरिजिनल। अब कहता है जी प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। कहता है प्राइस तो चेंज हुआ इतना और क्वांटिटी, अच्छा पहले वाले का जो हमारा पॉइंट है वो है ये वाला लगभग ये, ठीक है। अब जी प्राइस कम हुआ, कहता क्वांटिटी इंक्रीज होगी, प्राइस थोड़ा कम हुआ क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज हुई, प्राइस थोड़ा कम हुआ क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज हुई। तो जी नया हमारे पास पॉइंट क्या आ रहा है, ये वाला। अब यहां पर स्लोप देखिए आप, अगर हम पुराने और नए को जोड़े तो स्लोप क्या है हमारे पास, क्या ये 45 डिग्री बैठ रहा है? द आंसर इज नो, लेस देन 45 डिग्री बैठ रहा है ये। क्या बैठ रहा है ये? लेस देन 45 डिग्री। पहले प्राइस इतना था, क्वांटिटी इतनी डिमांडेड थी, प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। तो जहां पर हमारे पास ये सिचुएशन आ रही है तो हम कहते हैं भैया थोड़े से प्राइस कम में बहुत ज़्यादा डिमांड में चेंज आ रहा है। तो डिमांड क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक। डिमांड क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक मींस मोर देन वन, मींस मोर देन वन। अब पांचवा केस देखते हैं जी। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। प्राइस पहले इतना था, क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, तो पॉइंट लगभग यहाँ पर आया। प्राइस कम हुआ ज़्यादा, क्वांटिटी डिमांडेड हुई, कहता है जी कम, क्वांटिटी डिमांडेड कम चेंज हुई। तो नया पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पर? तो जी स्लोप देखिए कितना स्टीप हो गया है। ठीक है, अब जी जब ये जो एंगल है ये 45 डिग्री से ज़्यादा है, इट इज़ मोर देन 45 डिग्री। ठीक, तो अगर ये 45 डिग्री से ज़्यादा है एंगल, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि जी प्राइस ज़्यादा चेंज हुआ है, क्वांटिटी कम चेंज हुई है। इसका मतलब कहता है रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? लेस देन वन। चेंज क्या है? लेस देन वन। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपसे एंगल्स में भी पूछा जा सकता है। तो आपको हर तरह से याद रखना है। आ जाइए जी, कहता है जी इलास्टिसिटी जो है वो डिमांड की भी हो सकती है, निकाली जा सकती है, सप्लाई की भी निकाली जा सकती है। अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये ही आपके सिलेबस में है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इलास्टिसिटी का कंसेप्ट इतना ही है, मैं कह रहा हूँ कि बस इतना ही आपके सिलेबस में है। ठीक, अब जी इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ग्राफिक मेथड और पॉइंट मेथड। ठीक है, तो जैसे दो का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, परसेंटेज का भी एग्जांपल दिया और ग्राफिक का भी एग्जांपल दिया, कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है? सिर्फ परसेंटेज मेथड, तो हम बस इसी को देखेंगे। उसके अलावा जी देखिए ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पांच तरह की इलास्टिसिटी हो सकती है, या तो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, या फिर यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक इन्फिनिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक जीरो, रिलेटिवली इलास्टिक वन मोर देन वन, रिलेटिवली इन इलास्टिक लेस देन वन, और भैया यूनिटरी इलास्टिक वन। हाँ जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जी बड़ा क्लियर कट कहा गया कि भैया रिलेटिव चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। रिस्पॉन्सिवनेस एक अच्छा वर्ड है इलास्टिसिटी के केस में, मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड ने कैसे रिस्पॉन्स किया, रिस्पोंड किया, राइट।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज़ ए नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि अगर प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड नीचे जाएगी, डिमांड ऊपर जाएगी प्राइस नीचे जाएगा, मतलब इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड में। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैज़ नेगेटिव साइन, तो ये एक अच्छा एमसीक्यू है। ठीक है, अब जी इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ए परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अगर आपने ध्यान से सुनी अभी तक क्लास, तो वो भी आपको बता चुका था, ओरिजिनल डिमांड लेस चेंज्ड डिमांड। तो पहले ओरिजिनल आएगी, लेस चेंज्ड डिमांड अपॉन में ओरिजिनल इनटू में 100। इस तरह प्राइस के केस में ओरिजिनल प्राइस लेस चेंज्ड प्राइस अपॉन में ओरिजिनल इनटू में 100, राइट। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 20% अपॉन 40%, 30% अपॉन 50%, इस तरह से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इलास्टिसिटी। चार्ट देख लीजिएगा अच्छे से, ये सारी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूँ, परसेंटेज मेथड हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा ये देखिए जो लिखा हुआ है इसको भी देख लीजिए, ऐसे भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ओरिजिनल डिमांड क्या है हमारे पास, कहता है जी डी माइनस में चेंज इन डिमांड। तो जब हम ओरिजिनल डिमांड मतलब डी नोट माइनस में डी वन करते हैं, तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, कहता है जी डेल्टा, इसे हम कैसे चेंज करेंगे, डेल्टा डी। ठीक, तो बेसिकली क्या हो गया, डेल्टा डी अपॉन में डी, ये क्या हो गया, अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को देखें तो 100 से 100 कट गया, क्या रह गया, डेल्टा डी अपॉन में डी अपॉन में डेल्टा पी अपॉन में पी, यही चीज है, डेल्टा डी अपॉन में डी अपॉन में डेल्टा पी अपॉन में पी। अब ये जी नीचे वाला जो पार्ट है इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो डेल्टा डी अपॉन में डी इंटू में पी अपॉन में डेल्टा पी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा पी, भाई डेल्टा पी को यहाँ लिखे, यहाँ लिखे की बात है, इंटू में पी अपॉन में डी। तो ऐसे पूछा जाए तो भी ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछा जाए तो भी ध्यान रखिएगा, और इस टाइप में दिया जाए तो उसको ऐसे करके देख लीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बात एक ही है, अगर आपको बेस क्लियर है आपका तो आप बड़ी इजीली एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, आ जाइए, डिटरमिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस चीज पर डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो प्राइस लेवल, अब जी यहां पर बड़ी सिंपल सी बात कही गई कि जो गुड्स मॉडरेटली प्राइज्ड है, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ते भी नहीं है, कहता है वो तो उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। मॉडरेटली प्राइज्ड है तो कहता है इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, मोर इलास्टिक। अगर कहता है कि गुड्स चीप है, बहुत ज्यादा सस्ते हैं, तो भी लेस इलास्टिक। कहता है जी गुड्स बहुत ज्यादा महंगे हैं, वेरी कॉस्टली, तो भी लेस इलास्टिक। एग्जाम्पल देता हूं, मान के चलिए कोई कार है जो कि एक मेरे जैसा गरीब इंसान खरीद सकता है, जिसकी कीमत 1 से लेकर 1.5 लाख के बीच में है, नैनो। ठीक है, अगर इसकी कीमत इंक्रीज हो जाएगी, 1.5 लाख की जगह मान के चलिए 20,000 रुपये इंक्रीज हो गई, तो भी अफोर्डेबल होगी, तो भी अफोर्डेबल होगी, राइट। क्योंकि जितनी सस्ती चीज होगी उसका प्राइस भी उतना ही रियल सेंस में उतना ही कम चेंज होगा। अगर हम कंपैरिजन करें 20,000 का 1,50,000 से,
तो हमें लग रहा है यार 10% से भी ज़्यादा चेंज हो गया, लेकिन वैसे देखे तो यार सिर्फ 20,000 की ही बात है। कोई नहीं, जहाँ 1.5 लाख रुपये खर्चने की सोच रहे थे वहाँ 20,000 और सही। ठीक, तो जी अगर 20,000 रुपये 10% से भी ज़्यादा चेंज हो भी गया, तब भी जो इंसान 1.5 लाख की अफोर्ड कर सकता था वो 1.70 की भी अफोर्ड कर सकता है, इसीलिए डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ वेरी कॉस्टली कार की, मान के चलिए इनोवा है या फिर फॉर्च्यूनर है, जो कि 20 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में आ रही है। कहते हैं मान के चलिए कि 25 लाख की कार है, 2 लाख रुपए इंक्रीज कर दिए, लगभग 8% प्राइस इंक्रीज कर दिया। कहते हैं जिसकी औकात 25 लाख की कार खरीदने की है वो तो भैया 27 की भी खरीद ही लेगा, उसके लिए मैटर नहीं करता 1 लाख 2 लाख रुपए। तो प्राइस ज़्यादा होंगे तब भी कहता है डिमांड पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसका मतलब प्राइस के ऊपर नीचे जाने से चीप गुड्स के केस में, वेरी कॉस्टली गुड्स के केस में डिमांड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा फर्क कहाँ पड़ेगा? मॉडरेटली प्राइज्ड गुड्स के ऊपर। कहता है कोई कार 5 लाख की थी, जो कि कोई मिडिल क्लास आदमी बड़े अरेंजमेंट के साथ खरीदता है, 2 लाख रुपए काउंटर पेमेंट कर देगा, 3 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट बनवा लेगा, सब चीज़ें ठीक है। ठीक, अगर इसके प्राइस को 6 लाख कर दिया जाए तो भैया मिडिल क्लास आदमी के लिए ये 1 लाख रुपए निकालना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी बजट से बाहर चली जाएगी ये कार, बहुत सारे मिडिल क्लास। तो जी उस केस में डिमांड काफ़ी कम हो जाएगी। तो जो मॉडरेटली प्राइस गुड्स हैं कहते हैं वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, और जो चीप या वेरी कॉस्टली गुड्स हैं वो लेस इलास्टिक होते हैं। क्लियर है? हाँ जी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है किसी भी चीज़ का तो भैया डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगी। मान के चलिए कोक और पेप्सी, कोक 12 रुपए की हो गई, पेप्सी पुराने ही रेट पे मिल रही है 10 रुपए, तो भैया लोग कोक की जगह पेप्सी पीना शुरू कर देंगे, तो कोक की डिमांड एकदम से बहुत कम हो जाएगी। राइट, इसका मतलब कहता है अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है। अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, जैसे मिल्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, अगर बच्चे को मिल्क पिलाना है तो मिल्क ही पिलाना पड़ेगा, अगर चाय बनानी है तो मिल्क ही यूज़ करना पड़ेगा, तो इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, तो भैया 2 रुपये कम 2 रुपये ज़्यादा लेना ही पड़ेगा। राइट, तो इसका मतलब अगर प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज आता भी है तो भी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इफ़ अ गुड हैज़ क्लोज सब्सटीट्यूट, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी विल बी वेरी इलास्टिक। कहता है लेकिन अगर कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है तो फिर डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। टाइम पीरियड, कहता है जी अगर हम टाइम पीरियड को देखें तो शॉर्ट रन में चीज़ों में एडजस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, अल्टरनेट फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो शॉर्ट रन में जनरली डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक, प्राइस कम हो ज़्यादा हो लगभग चीज़ें बिकती है। लेकिन लॉन्ग रन की बात करें तो कहता है कंज्यूमर को अल्टरनेट फाइंड करने का टाइम मिल जाता है, एडजस्टमेंट्स करने का टाइम मिल जाता है। तो उस केस के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर, अगर प्राइस ज़्यादा ही रहेगा लंबे समय तक तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर या तो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा कि उस सामान के बिना भी काम चला लेगा, या फिर कोई ना कोई सब्सटीट्यूट फाइंड आउट कर लेगा। राइट, तो लॉन्ग रन में कहता है इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, और शॉर्ट रन में थोड़े ही टाइम, कोई बात नहीं यार महीने भर थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा कर लेंगे, पर जब ज़रूरत है तो लेनी पड़ेगी चीज़, तो शॉर्ट रन में इलास्टिसिटी कम होती है, प्राइस कम ज़्यादा होने की वजह से डिमांड पर असर नहीं पड़ता। ठीक है जी, प्रपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट। अब मान के चलिए कि मेरा बजट है टोटल 10,000 रुपये का, ये बजट है मेरा 10,000 रुपये का, और इस बजट से
मैं जी नमक पर खर्च करता हूँ 100 रुपये, पूरे महीने 100 रुपये का नमक आता है, सॉल्ट। अब यह नमक 100 की जगह 120 का भी आना शुरू हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो, जितना नमक मैं पहले कंज्यूम कर रहा था उतना ही अभी कंज्यूम करूंगा। अब जी इस बजट में से मान के चलते हैं 3,000 रुपये का मेरा बजट मैंने एलोकेट कर रखा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। अब जी जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 3,000 रुपये में आते थे, मान के चलिए प्राइस चेंज होने के बाद, उतने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए मुझे 3,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, मतलब 500 रुपये का फर्क पड़ेगा। भैया टोटल बजट ही 10,000 का है तो 500 रुपये कहाँ से एक्स्ट्रा लाऊंगा, कहाँ एडजस्टमेंट करूंगा? पॉसिबल नहीं हो पाएगा एडजस्ट करना। 20 रुपये तो एडजस्ट किए जा सकते हैं, बट 500 रुपये? तो कहता है जितना ज़्यादा हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर अपना बजट एलोकेट करते हैं, वहाँ पर इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है डिमांड की। क्यों? क्योंकि भैया मेरा तो 3,000 का बजट है, अगर महंगे हो गए तो थोड़ा कम खाना शुरू कर दूँगा, पर मैं 3,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। 3,000 की जगह 3,100 तक तो ठीक है मैं एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन 3,500 पॉसिबल नहीं है, तो मतलब डिमांड कम कर दूंगा मैं। लेकिन जितना छोटा बजट एलोकेट होगा किसी प्रोडक्ट के लिए, कहता है उसकी डिमांड उतनी ही इनइलास्टिक होगी, क्योंकि एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, तो बड़े बजट के केस में कहता है जी हाईली इलास्टिक। लेकिन छोटे बजट के केस में कहता है जी इनइलास्टिक, हाईली इनइलास्टिक। देखिए मैं साथ साथ आपको ये गोले बना के दिखाए जा रहा हूँ, चार्ट्स बना के दिखाए जा रहा हूँ, ग्राफ्स बना के दिखाए जा रहा हूँ, तो कोई ना कोई मकसद है मेरा। आपसे इवन ऐसे भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, आपको ऐसे दे दिया जाएगा, ये जी आपका बजट है। अब जी एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप ये असाइन कर रहे हो, कोई फिगर नहीं दी जाएगी, बस ऐसे बना दिया जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप ये बजट असाइन कर रहे हो, तो बताओ जी इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी और इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी। तो इवन ऐसे भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ जी। हैबिट्स, हैबिट्स के केस में तो इंसान मजबूर हो जाता है ना, आदत। सिगरेट 10 रुपये की हो या 15 रुपये की हो, अगर चाहिए तो चाहिए। अल्कोहल 100 रुपये की थी तब भी लोग पीते थे, अब जी लॉकडाउन में कुछ सरकारों ने 70-75% तक कहता है एडिशनल टैक्स लगा दिया, सेस लगा दिया, मतलब 70-75% तक महंगी हो गई अल्कोहल, तब भी लोग ले रहे हैं। तो अगर किसी चीज़ की हैबिट है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक, कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, राइट। फिर जी नेचर ऑफ कमोडिटी, कहता है नेसेसिटी है अगर कोई चीज़ जरूरी है तो प्राइस कम हो या ज़्यादा हो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर नेसेसिटी नहीं है, लग्जरी है, कंफर्ट है, तो भैया अगर अफोर्ड कर पाऊँगा तभी तो लूँ ना। ठीक है, अगर मान के चलो प्राइस इंक्रीज हो गया, मैं अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उसकी डिमांड ख़त्म कर दूंगा, कम कर दूंगा। वेरियस यूजेस, जैसे कि मिल्क। अब जी देखिए मिल्क के वेरियस यूजेस हैं, जैसे मैं मिल्क को यूज़ करता था डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए, मैं मिल्क को टी में यूज़ करता हूँ, मैं मिल्क को कर्ड के लिए यूज़ करता हूँ, दही बनाने के लिए, मैं चीज़ बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेज़ हैं मिल्क के, क्रीम बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। अब जी अगर मिल्क महंगा हो गया तो भैया मैं कहूँगा यार छोड़, क्रीम कोई एसेंशियल चीज़ थोड़ी ना है, क्रीम नहीं खाएंगे, या पनीर है थोड़ा कम खा लेंगे, तो थोड़ा कम मिल्क परचेज कर लेंगे। भाई बच्चों को पिलाना ज़रूरी है, चाय भी तलब मारती है, पीनी ज़रूरी है, दही भी चलो ठीक है कम ज़्यादा हम एडजस्ट कर लेंगे, पनीर ज़रूरी थोड़ी ना है, इसको नहीं बनाएंगे मिल्क से पनीर, क्रीम नहीं बनाएंगे मिल्क से। तो जी जहाँ पर मैं 3 kg ले रहा था, जो कि इन सारी चीज़ों के लिए मैं यूज़ करता था, वहाँ पर मैं 2.5 kg लेना शुरू कर दूंगा, भाई क्रीम नहीं बनाएंगे या पनीर नहीं बनाएंगे, राइट। तो जहाँ पर एक प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस होते हैं उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है।
क्यों? क्योंकि किसी ना किसी यूज को हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का एक ही यूज है, जैसे कि शैम्पू, अब यार बाल तो धोने ही है, तो शैम्पू का तो एक ही यूज है बाल धोने के लिए, तो भैया अगर थोड़ा महंगा होगा तब भी लेना ही पड़ेगा, ठीक है। पोस्टपोनिंग कंजम्पशन, जिस चीज की कंजम्पशन को हम टाल सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं कि कोई बात नहीं अभी महंगा है, अभी रहने दो, बाद में देखेंगे, मतलब इतनी जरूरत नहीं है कि आज ही लेना है, बाद में देखेंगे, राइट। तो जिस चीज को हम टाल सकते हैं उसकी रिलेटिविटी, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। लेकिन जो अभी चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस कम हो या ज्यादा हो, जैसे मेडिसिन अभी चाहिए चाहे महंगी मिल रही है, तो भैया उसकी इलास्टिसिटी कम है, ठीक है। तो आपको माइंड यूज करना है, कोई भी फैक्टर दिया जाए आपको देखना है, डे टू डे लाइफ से जोड़ के देखना है, आपको अपने आप से जोड़ के देखना है कि यार इस केस के अंदर मैं क्या करूँगा, आपको आई थिंक कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा। आ जाइए जी, फिर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने डिस्कस किया है, कहता है जी कार है पेट्रोल है, हम कार के प्राइस चेंज होने की वजह से कार की डिमांड पे क्या असर पड़ा है ये नहीं देख रहे, बल्कि पेट्रोल के प्राइस चेंज होने की वजह से कार की डिमांड पे क्या असर पड़ा है हम ये देख रहे हैं, राइट। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कहता है प्राइस किसका चेंज हो रहा है, पेट्रोल का, डिमांड किसकी देखी जा रही है, कार की। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ वन गुड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर, ठीक है। बस थोड़ा सा हिंट ही दिया हुआ है आपको आपके सिलेबस में फॉर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो बस बाकी कंसेप्ट तो वही है, भाई प्राइस हम किसका ले रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट का, बस इतना सा फर्क है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कहता है जी इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पर मैंने वर्ड यूज कर रखा है रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब देखिए, मेरी 1,000 रुपये की इनकम है लेकिन मार्केट में सामान थोड़ा सस्ता हो गया, तो जिस चीज़ के ऊपर मैं 1,000 रुपये खर्च करता था अब वो चीज़ 900 में आने लग गई, तो 100 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा हो गए, 100 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा हो गए, तो कायदे से मेरी इनकम 100 रुपये ज़्यादा हो गई। चाहे कहता है एक्चुअल इनकम मेरी इंक्रीज नहीं हुई, पहले भी 1,000 थी अब भी 1,000 है, लेकिन रियलिटी में देखें तो कहता है अब मेरे पास 100 रुपये बचने लग गए जिसको मैं कहीं और यूज कर सकता हूँ, मतलब पहले मैं सिर्फ जरूरत पूरी कर पा रहा था, अब जरूरत का सामान थोड़ा सस्ता हो गया तो 100 रुपये मैं मौज मस्ती में, एंटरटेनमेंट में, मूवी देखने में या बर्गर खाने में यूज कर सकता हूँ, तो भैया बर्गर की डिमांड या मूवी की डिमांड या एंटरटेनमेंट की डिमांड मैंने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो जब हम रियल इनकम की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक्चुअल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, कहता एक्चुअल इनकम तो है ही है, एक्चुअल इनकम इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली मैं डिमांड इंक्रीज करूंगा ही करूंगा प्रोडक्ट्स की, लेकिन अगर एक्चुअल इनकम इंक्रीज नहीं भी हो रही बट ओवरऑल मेरे पास पैसे बच रहे हैं किसी भी वजह से, तो भी मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है और जो मेरे पास पैसे बच रहे हैं वो मैं कहीं और यूटिलाइज कर सकता हूँ, मतलब मैं किसी और चीज़ की डिमांड कर सकता हूँ, राइट। तो चेंज इन डिमांड ऑफ वन गुड अपॉन में चेंज इन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, जनरल कंसेप्ट क्या है, सिंपल सी बात यह है कि भैया मेरे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो मैं ज़्यादा खर्चूंगा, मतलब मैं ज़्यादा डिमांड जनरेट करूँगा। तो नॉर्मल केस में कहते हैं हमेशा इलास्टिसिटी क्या, पॉजिटिव, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा मैं डिमांड जनरेट करूँगा, तो पॉजिटिव रहेगी इलास्टिसिटी, ठीक। नेसेसिटी के केस में कहता है सॉल्ट है, शुगर है, मिल्क है, ये क्या है, नेसेसिटीज है। ऐसा थोड़ी ना है कि 10,000 रुपये कमा रहा था तो कम सॉल्ट खा रहा था और 20,000 रुपये कमाना शुरू कर दिया तो चम्मच भर के सॉल्ट खाना शुरू कर दिया, या कम कमा रहा था तो कम शुगर खा रहा था, अब ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया तो डायरेक्ट शुगर खाना शुरू कर दिया, राइट। मिल्क पहले भी लगभग पी ही रहा था, ज़्यादा इनकम हो गई तो लगभग उतना ही पीऊँगा,
मिल्क कहाँ इंक्रीज होगा? अगर आदमी अमीर हो जाता है तो अल्कोहल इंक्रीज होगा, मिल्क कहाँ इंक्रीज होता बेचारे का, राइट? तो कहता है नेसेसिटी वाले केस में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता डिमांड पे, तो इलास्टिसिटी 0 से 1 के बीच में ही, मतलब इलास्टिसिटी होती है, थोड़ी सी कंजम्पशन बढ़ती है, बट ऐसा नहीं है कि हाईली इलास्टिक होता है, तो 0 से 1 के बीच में ही रहता है, तो हम कह सकते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। जितनी इनकम बढ़ती है उतना हम नेसेसिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज नहीं करते। लग्जरी गुड्स केस में कहता है मोर देन वन, अबव वन, कहता है किसी इंसान की जेब में 1,000 रुपये आता है तो सोचता है यार 1,200 रुपये वाली चीज परचेज करूं, एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज आते हैं तो सोचता है कि 1,200 रुपये वाली चीज परचेज करूं, कोई नहीं अभी नहीं पे कर पाऊंगा सारे पैसे तो ईएमआई बनवा लूंगा, ईएमआई में पे कर दूंगा, राइट? तो कहता है जैसे जैसे इंसान की औकात बढ़ती रहती है, इनकम बढ़ती रहती है, वो लग्जरी गुड्स की डिमांड इनकम से भी ज़्यादा करना शुरू कर देता है, अपने आप को राजा समझना शुरू कर देता है। तो लग्जरी गुड्स के केस में कहता है अबव वन। हाँ, इंफीरियर गुड्स के केस की अगर हम बात करें, जैसे पहले मैं गरीब था तो 50 रुपये वाला राइस खाता था, अब मेरी इनकम अच्छी हो गई तो मैं ये गरीबों वाला राइस थोड़ा ना खाऊंगा, अब मैं 100 रुपये वाला अच्छे वाला बासमती खाऊंगा, ठीक है? तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे इंफीरियर गुड्स की मैं डिमांड क्या कर दूंगा? कम। तो इंफीरियर गुड्स के केस में कहता है जनरली क्या होगा? नेगेटिव। ठीक, आज है जी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखिए जो भी हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिस्कस किया है वही सारी बातें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में है, वही 5 तरह की इलास्टिसिटी हो सकती है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। वैसे ही हमें इलास्टिसिटी निकालनी है। कहता है जी डिमांड के केस में हम क्या करते थे, ओरिजिनल डिमांड लेस चेंज डिमांड अपोन में ओरिजिनल डिमांड इनटू में 100, अपोन में ओरिजिनल प्राइस लेस चेंज प्राइस अपोन में ओरिजिनल प्राइस इनटू में 100। यहाँ पर डिमांड की जगह क्या कर देंगे? प्राइस सप्लाई, ओरिजिनल सप्लाई लेस चेंज सप्लाई अपोन में ओरिजिनल सप्लाई, बस इतना सा फर्क है। आपको दिमाग में क्या रखना है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब हम बात करते हैं डिमांड की और प्राइस की, हमने कहा जी स्लोप नीचे की तरफ ही आता है, यूनिटरी है, ग्रेटर देन वन है, लेस देन वन है, कहते हैं जनरली स्लोप क्या आता है? नीचे की तरफ ही होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, लेकिन प्राइस में और सप्लाई में कहता है जी पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होती है, राइट? तो ग्राफ कैसे बनेंगे? कहता है सारे स्लोप्स पॉजिटिव आएंगे, सारे स्लोप्स क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, ठीक? तो बस इतनी सी चीज आपको दिमाग में रखनी है कि सप्लाई के केस में हमारे पास जितने भी स्लोप्स आएंगे वो क्या आएंगे? पॉजिटिव, ठीक? ऊपर की तरफ जाते हुए, नीचे की तरफ आते नहीं, ऊपर की तरफ जाते हुए। अनलिमिटेड के केस में तो वही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जीरो केस में वही है पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसके अलावा जो बाकी तीनों हैं वो ऊपर की तरफ जाते हुए ना कि नीचे की तरफ आते हुए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब भैया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो सबसे पहला क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ? कहता है जी अगर हमारे पास मान के चलिए कि कॉमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं एंड द प्रोड्यूसर हैव इनफ टाइम टू मेक द एडजस्टमेंट इन द लेवल ऑफ आउटपुट, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक, ठीक है? कि भैया प्रोड्यूसर के पास टाइम है और वो एडजस्टमेंट कर सकता है ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे प्रोड्यूसर की कोशिश तो यही रहती है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोड्यूस करूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं प्रोड्यूसर का उतने ज़्यादा बेनिफिट। तो कहता है जी इस केस के अंदर जहाँ पर प्रोड्यूसर लंबे समय तक प्राइस इंक्रीज रहने की उम्मीद है और प्रोड्यूसर के पास टाइम है एडजस्टमेंट करने की, लेबर इंक्रीज करने की, जगह इंक्रीज करने की, प्रोडक्शन इंक्रीज करने की, तो भैया डेफिनेट सी बात है वो ज़्यादा सप्लाई करना शुरू कर देगा एडजस्टमेंट करने के बाद। तो
तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर थोड़े टाइम के लिए ही प्राइस इंक्रीज हुए हैं और उतने टाइम में प्रोड्यूसर चाहकर भी उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं ले सकता, अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता, तो कहता है वो उतना ही प्रोड्यूस करता रहेगा जितना करता है, तो मतलब उस केस के अंदर सप्लाई क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। प्राइस चेंज होने के बाद भी उतनी ही सप्लाई कर पाएगा प्रोड्यूसर जितनी वो कर सकता है, राइट। फिर जी एबिलिटी टू स्टोर आउटपुट। अब देखिए, अगर कोई गुड्स पेरिशेबल है जो जल्दी खराब हो सकते हैं, तो भैया सप्लायर सोचेगा यार कम में ज़्यादा में जाने दे तू। लेकिन अगर गुड्स को स्टोर किया जा सकता है, तो सेलर सोचेगा यार जब सही दाम मिलेंगे तभी मैं बेचूंगा, राइट। तो भैया अगर सेफली स्टोर किया जा सकता है, तो सप्लाई क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक। क्यों? प्रोड्यूसर कहेगा भैया मैं तो रोक के बैठा हूँ, जब सही दाम मिलेंगे तभी बेचूंगा। तो प्राइस ज़्यादा होंगे तभी वो सामान निकालेगा। लेकिन अगर कुछ गुड्स ऐसे हैं जो भैया खराब हो सकते हैं, तो प्राइस मार्केट में ज़्यादा है या कम है कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया डेली बेसिस पर सामान तो निकालना ही है, तो उस केस में सप्लाई क्या है, इनइलास्टिक। फिर जी फैक्टर मोबिलिटी। फैक्टर मोबिलिटी का मतलब क्या है, जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे कि लेबर। अब भैया अगर लेबर ऐसी है जो बहुत इजीली किसी और काम में स्विच कर सकती है, तो लेबर को जैसे ही दूसरे काम में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखाई देगी उस काम में स्विच कर जाएगी लेबर, तो भैया यहाँ पर ऑटोमेटिकली सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। अगर लेबर किसी और काम में स्विच नहीं कर सकती, उसी काम जिस जो काम करना आता है वही काम करती रहेगी लेबर, तो उस केस में सप्लाई अफेक्ट नहीं होगी। तो मतलब अगर हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी इजीली मूव्ड, तो सप्लाई क्या है, इलास्टिक। सप्लाई क्या है, इलास्टिक। ज़्यादा लेबर होगी ज़्यादा सप्लाई होगी, कम लेबर होगी कम सप्लाई होगी। लेकिन लेबर उतनी ही रहनी है क्योंकि लेबर कहीं और जा नहीं सकती, वही काम करना आता है वही काम करती रहेगी, तो सप्लाई भी उतनी ही रहेगी, तो उस केस में सप्लाई क्या होगी, इनइलास्टिक। कॉस्ट रिलेशनशिप। अब ध्यान से देखिए, कहता है अगर कॉस्ट रैपिडली इंक्रीज होती है, जैसे मान के चलिए मैं 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ इंस्टीट्यूट खोल के, और मुझे कॉस्ट आ रही है लेट से 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की, इंस्टीट्यूट का रेंट है, फिर टीचर्स को पैसे देने हैं, मैनेजमेंट को पैसे देने हैं, स्टाफ को, राइट, और खर्चे हैं। अब जी मैं मान के चलिए आउटपुट इंक्रीज करने की सोचूं और 10 की जगह 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाने की सोचूं, अब यहाँ पर मुझे कितना बचता है, कहता है टोटल मुझे मिलता है 2 लाख, जिसमें से कॉस्ट आती है 1 लाख की, मुझे बचता है 1 लाख। अब मैं जी 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाने की सोचता हूँ, तो मुझे उसके लिए इन्वेस्ट कितना पड़ रहा है, कहता है जी मेरे पास आ रहा है 3 लाख, जो स्टूडेंट से फीस आ रही है, खर्चा भी मेरा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा स्टूडेंट्स करने की वजह से खर्चा मेरा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, लेट से 2 लाख हो गया खर्चा मेरा, तो भी मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 लाख ही। कहता है जहाँ पर खर्चा रैपिडली इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, तो वहाँ मैं सोचूंगा यार टेंशन भी ज़्यादा लूँगा, 10 की जगह 20 स्टूडेंट्स की टेंशन लूँगा, बच उतना ही रहा, इससे बढ़िया 10 को पढ़ाता रहना, कम टेंशन में उतना ही कमाता रहे, राइट। तो जहाँ ये वाला सिनेरियो होगा वहाँ पर सप्लाई क्या होगी, इनइलास्टिक, ठीक है, या आप कह सकते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। लेकिन अगर पहले 10 बच्चों को पढ़ा रहा था जिसमें 2 लाख रुपये आ रहे थे, 1 लाख का खर्चा था, 1 लाख कमा रहा था, अब जी 20 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिसमें 3 लाख रुपए आ रहे हैं और खर्चा सिर्फ 20 हजार रुपये का बड़ा है, तो मतलब मुझे बचे कितने, 1,80,000 रुपये। तो मतलब खर्चा बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा प्रोडक्शन इंक्रीज करने की वजह से, तो मैं सोचूँ क्यों ना ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए। तो इस केस के अंदर क्या होगा जी, इलास्टिक, और इस केस के अंदर क्या होगा जी, सप्लाई इन इलास्टिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां मैं ज्यादा को पढ़ाना चाहूंगा क्योंकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, यहां मैं ज्यादा को सप्लाई नहीं करना चाहूंगा अपनी सर्विसेज क्योंकि मुझे प्रॉफिट उतना ही मिल रहा है।
एक्सेस सप्लाई। कहता जी मान के चलिए कि जो मेरी कैपेसिटी है मैं उसका 50% ही यूटिलाइज कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कैपेसिटी का 50% ही यूटिलाइज कर रहा हूँ, 50% और यूटिलाइज कर सकता हूँ बहुत कम खर्चा करके। तो मतलब मेरे पास अभी कैपेसिटी है 50% और सप्लाई करने की। तो कहता है उस केस में पॉसिबिलिटी है कि मैं सप्लाई इंक्रीज कर दूँ, लेकिन अगर मैं ऑलरेडी 100% अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइज कर रहा हूँ तो भैया पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मैं सप्लाई इंक्रीज करूं। तो इस केस में सप्लाई क्या होगी, रिलेटिवली इलास्टिक, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज की जा सकती है। इस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी, कहता है जी इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी, चाहे प्राइस कम मिले या ज़्यादा मिले। इस केस में प्राइस अगर ज़्यादा भी है मार्केट के अंदर, तब भी जब मैं 100% ऑफ कैपेसिटी पहुंच ही गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी, उससे ज़्यादा मैं प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, तो सप्लाई कैसे चेंज कर दूँगा। तो अगेन वहां पर बैठकर आपको अपना दिमाग लगाना है कि क्या सही है क्या गलत है, और किस केस में इलास्टिसिटी ज़्यादा है किस केस में कम है। ठीक है जी, चलिए आई थिंक एक और क्लास लगेगी और आपका चैप्टर विल बी ओवर। टेक केयर।